तो अज असी पहलगाम दे वैसी ते अज असी कल असी बेताब वैली देख ली सी ते जित्थों अमरनाथ की यात्रा शुरू हुंदी है बेस कैंप चंदनवाड़ी जित्थों जाके सड़क खत्म हो जाती है उत्थे भी गया सी। बहुत खूबसूरत सारा दृश्य असल दे विच पहलगाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ। जे कश्मीर नूं जन्नत कहा जाता तो मैनू ऐ लगता कि पहलगाम का भी उहदे विच बहुत वड्डा हाथ आ तां क्योंकि इहनूं जन्नत कहा जाता। तुसीं सामने वाले व्यू देख सकते हैं किसी बन्नों भी जन्नत तो घट नहीं। बहुत खूबसूरत सड़कां बहुत ही साफ सुथरा सारा कुछ आ। देखो सितंबर दे विच ही ताज़ा बर्फबारी हो रही है वड्डे उच्चे पहाड़ों पर जिहड़े इत्थों दे जिहड़ा आला दुआला इहनूं तुसीं देखोगे बेहद खूबसूरत आला दुआला बेहद खूबसूरत है। लिद्दड़ दरिया अगे जा के लिद्दड़ दे विच मिल जांदा शायद ये शाखा हो लिद्दड़ दी। सामने तुसीं देख सकते उच्चियां चोटियां बहुत उच्चियां चोटियां आले दुआले देवदार दे हरे भरे दरख्त। ते असीं जा रहे हैं अड़ू वैली। अड़ू वैली जा के एक्सप्लोर करते हैं। इत्थे एक तुलियन वैली भी है उन्हें मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता वो भी पहलगाम के बिल्कुल नेड़े ही आ। उस तो अगे काफ़ी सारे ट्रैक भी इतों लेक ट्रैक आ तुलियन ट्रैक लेक आ शेषनाग ट्रैक लेक आ होर भी बहुत सारे लेक आ। सचमुच धरती का स्वर्ग आ पहलगाम। इत्थे कितें भी तीन चार दिन बड़े आराम ना रहा जा सकता। पहलगाम तो 10 किलोमीटर जो आप खब्बे हथ वल एक सड़क मुड़ती है बहुत खूबसूरत सड़क आ उतों 10 किलोमीटर दूर अरू वैली आ। तो हुण असी अरू वैली दे विच आ गए हैं। पूरे पहाड़ों दे विच घिरी हुई देखो सितंबर दे विच भी बर्फ पई हुई है और एक काफ़ी खुले ग्राउंड आ जिवें खजार वाले आ वो थोड़ा जिहा साफ सुथरा गोल आ पर चौड़ा तो लंबा काफ़ी ग्राउंड आ। इहदे उपर भी हैगी अरू वैली वैसे इहदे उपर आ जिथे असी जा रहे हैं ये रस्ता जाता। ये आए साढ़े बाइक देख लो किवें चढ़ के तो आ सामने रुखां दे उल्ले अरू वैली आ पिछे भी देख लो बर्फ दे उत्ते पहाड़ों के उत्ते बर्फ पई हुई है। जिहड़ा हेठां तुहानूं ग्राउंड दिखाया सी उस ग्राउंड तो पहाड़ी के नाल नाल एक छोटा रस्ता चढ़दा जिहड़ा इस आड़ू वैली जिहड़ी आड़ू वैली का मेन ये हैगी जगह उत्थे घोड़ियां राहीं लै के आउंदे वैसे तो पर तुसीं तुर के भी आ सकदे हो। तो ये बहुत खूबसूरत लोकेशन तुसी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हेठां आ जिहड़े टेंट दिस रहे आ इत्थे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। वो सामने तुहानूं मैं जूम करके दिखा दा कोई हिंदी फिल्म की वड्डी कास्ट वाली फिल्म आ उहदी शूटिंग चल रही है शायद उधर सानू ना जान देन। बाकी आपां तां गल करांगे अरू वैली दी बहुत खूबसूरत वैली बेहद खूबसूरत ठंडियां हवावां चल रही ते इत्थे आने लई 20 रुपए टिकट थल्यों बड़े आराम नाल आया जा सकदा पैदल भी ते घोड़े ते लै के आउंदे आ क्योंकि घोड़े वालियां दा जिहड़ा कारोबार इत्थे बहुत ज़्यादा और हर चीज़ नूं चाहुंदे आ कि घोड़े ते जाया जावे क्योंकि उन्हां दे नाल इहदी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। वैसे पैदल भी आया जा सकदा इत्थों तक कि असीं तां बाइक ते लै आ। बाकी वैली बहुत खूबसूरत आ देखदे आ इत्थों ये जम्मू पुलिस बैठी हुई है सामने और वो सारा शमियाना जिहड़ा आर्मी का लगा हुआ फिल्म की शूटिंग चल रही है शायद ये छोटे जे खाण पीण लई पॉइंट बने हुए है।
बहुत सोहने खूबसूरत साइट सीन इत्थे बनदे आ, पर क्योंकि शूटिंग चल रही है और शूटिंग दे विच भी आर्मी एंटराइज करके उधर सीन लैन की इजाजत नहीं गी। बहुत ही खूबसूरत अरू वैली। इधर से जाएंगे, इधर से अरू वैली च एक टुटिया हुआ पुराना घर, किसी टाइम इत्थे लोग रहिंदे सी पर हुण ये टुट चुक्या। बाकी ए सुक्के हुए देवदार दे दरख्त आले दुआले देखो, बहुत खूबसूरत चोटियां पहाड़ां दियां बर्फ नाल लदियां होईयां। और ओ सामने देखो चोटी बर्फ नाल लदी हुई, और इत्थे ये लड़की जो बैठी है घोड़े च आ रही है, किसी कश्मीरी दे घोड़े च आ रही है। बच्चा नाल निक्का जिहा बच्चा भी बुलाउंदा सानूं देख के। और एक बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हरी भरी देवदार दे दरख्तां नाल भरी हुई ये वादी आ। इहदे पिछे देखो तुसीं खूबसूरती, तां इहदे विच इन्नी ज़्यादा बे इंतहा खूबसूरती इस वैली दे विच आ। और वड्डे वड्डे ग्राउंड पहाड़ां दे विच आम देखिया जांदा कि किते पैर रखण नूं वी जगह नहीं हुंदी, सारा घाह फूस हुंदा जां दरख्त लगे हुंदे आ। पर जिहड़ियां वादियां जां ढलाना ते इस तरह दी जगह हुंदी आ, जिवें तुसीं सामने देख सकदे हो घाह ना, जिथे इस तरह दीआं जदों वादियां आउंदियां तां उह ट्रैकिंग लई बहुत खूबसूरत हुंदियां, क्योंकि इत्थों आ के तुसीं पहाड़ां नूं बहुत नेड़े तों, कुदरत नूं बहुत नेड़े तों माण सकदे आ। तां इन्हां घरां दे पिछे बजरंगी भाई जान करमा फिल्म की शूटिंग भी हुई है, हुण वी तुहानूं दस्सिया जिवें इत्थे शूटिंग चल रही है। तां असीं उधर नूं जाण दी कोशिश करदे हां। ये देखो पहाड़ी बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे। इधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करते, क्या करते हो? पढ़ते हो? अच्छा, पढ़ाने आता है मास्टर नीचे से वहां तक पढ़ाने आता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तू फर्स्ट में? तू किस क्लास में पढ़ता है? तू भी फर्स्ट? अच्छा लगता है पढ़ना? तो आपके घर किधर है? इनका उधर है। बहुत प्यारे बच्चे हैं पहाड़ी, देखो फर्स्ट में पढ़ते हैं। और एक ये निक्का सा है, इसका भी दिखाते हैं। ये देखिए कैसा है, बाय करो। अब संग रहा, पहले बाय कर रहा था जब दूर थे। बाय करो, बाय बाय करो, बाय करो, बाय करो। नहीं, अब संग रहा है, पहले जब दूर थे हम तो बाय कर रहा था। बहुत प्यारे बच्चे हैं। अच्छा चाचा, हमें ये बताओ कि सर्दियों में आप फिर कहाँ जाते हो? यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है। आधे पहलगाम से नीचे चले जाते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। पहलगाम में फिर बर्फ कम पड़ती है यहाँ से? नहीं, कम नहीं पड़ती, बर्फ तो पूरा कश्मीर में ही पड़ जाती है, वरना यहाँ ज्यादा पड़ती है। यहाँ ज्यादा पड़ती है, यहाँ 7 फुट बर्फ होती है। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पर पीछे रह जाते हैं घर में, फिर वो क्या करते हैं? वो राशन रूशन ला कर रखते हैं घर में, पूरा 2-3 महीने का। 2-3 महीने का राशन लाते हैं नीचे से, फिर घर में ही रहते हैं। तो ये जो आपके जो मवेशी है, जो पशु है आपके जी, इसको वो भी यहाँ पर ही रहते हैं फिर? नहीं, कुछ लोग रखते हैं, एक एक दो दो रखते हैं, घास रखते हैं इनके लिए। ये इसको जो हमारे कोठे हैं इनको 2 कमरे रहते हैं, तो जो पीछे वाला कमरा है उसमें ये मवेशी रहती है। अच्छा, तो जो बाहर वाला है तो उसमें इंसान रहते हैं। दिखा सकते हो अपना कमरा? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है। ये इनकी, आप कभी पंजाब गए? ये इनकी जमीन है, ये जो बात कर रहे थे बुजुर्ग हमारे साथ, ये सब इनके घर हैं। ये यहाँ पशु रखते हैं, सॉरी मैं हिंदी बोलने लग गया, ये पशु रखते इत्थे। ते इत्थे जमीन भी इन्हां दी हैगी है, देखो इत्थों इन्होंने मक्की कट के, ये इन्होंने मक्की कट के रखी है। ते इत्थे इन्हां दे कच्चे घर आ,
जिहड़े विच लक्कड़ ला के मिट्टी ला के बनाए हुए आ, और इन्हां दे सारे पशु आ। बाकी खूबसूरती बहुत आ, इहदे च कोई शक नहीं। और इस तरह की खूबसूरती नूं मानण लई तुहानूं उतर के तुरना पैना पहाड़ां दे विच, नहीं तां तुसीं सड़कां ते खूबसूरती नहीं देख सकदे। ये लोग जदों पशु लै के उपर जांदे आ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਵਗਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਮੱਕੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਜਿਹਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਝਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਲੰਘੂਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਮਾ, ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਮਰਗ ਇੱਥੋਂ 5-6-7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਘਮੱਕੜੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸਤੇ, ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਟਰੈਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੌਰਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਤਾਬ ਆ, ਨਾ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਅਰੂ ਵੈਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਲੀ ਆ। ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ।
तो इन्हें आप कह सकते हैं अरू वैली ट्रैक। अरू वैली जिते कि आप ट्रैक्ट मिलती है उतों काफ़ी उच्चिया चोटियाँ आ जाए जिमें कि तुम देख सकते हो, तो उच्चिया चोटिया तो बाद मैं लगता नदी आऊगी। दोस्तों आप चल के वेखते हैं आज देखिए उन्हें बहुत नेड़े पहुँच गए। ये दोस्त जो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर तरसेम के साथ खड़े हुए हैं, ये यहाँ मिले, इनका घर भी बिल्कुल पास में है, तो इनसे पानी पूछा तो बोलते हैं कि पीछे झरना चल रहा है वहाँ जाके पियो, एकदम साफ पानी। तो पानी हवा की बात करें तो यहाँ जन्नत है, बस कुदरत की बहुत आत है, लेकिन फिर भी इन लोगों की जिंदगी औखी है, इतनी आसान नहीं है। आप कभी दरबार साहब गए हो अमृतसर? दरबार गया सर। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, आप पंजाब पूरा घूमे हो? दिल्ली, हरियाणा और कहाँ कहाँ घूमे हो? अजमेर शरीफ गए, मलेरकोटला, मलेरकोटला भी गए। ओके ओके ओके। रुड़की? हाँ वो रुड़की, हाँ जहाँ छोनी है ना आर्मी की। हाँ ओके ओके। ये सब जगह घूमे हुए हैं दोस्त, यंग दोस्त हैं और सभी जगह ये घूमते हैं। नेटवर्क नहीं है। ये दोस्त के पास फोन है, कहते कभी कभी BSNL का टावर यहाँ आ जाता है, और कोई टावर यहाँ नहीं है। हमारे पास जो थी सिम उसका टावर नहीं आ रहा, तो ये BSNL का आता है। तो बहुत बढ़िया लगा दोस्त से मिलकर। नाम क्या है आपका सर? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम हमको शाम में भी मिला था, वो भी हमारा दोस्त बनता है राजस्थान में, कासिम। हाँ हाँ हाँ, कासिम का सफारी वाला था, उसके नाम से याद आया। मैं उच्चे जगह दे खड़ के तुहानू अरू वैली की खूबसूरती दिखाना। ये सामने देखो उच्चे पहाड़, बर्फ सितंबर दे विच ही इत्थे आ जिहड़ी बर्फ पई आ, ये बिल्कुल ताज़ा बर्फ, इन्नी खूबसूरती आ। ये देखो चार चफेरे, एक जगह नहीं, चार चफेरे, इन्नी इन्नी खूबसूरती आ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी के साथ शायद, और इत्थे इत्थे स्कूल भी, मास्टर भी आता है इनको पढ़ाने, मास्टर इनको पढ़ाने आता है, और इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ, वोटर कार्ड, सब कुछ बना हुआ है। असल दे विच इत्थे चरांदा करके इन्होंने इत्थे घर बनाए हुए है, कुदरत इन्हां ते काफ़ी मेहरबान आ। इन्नी प्यारी हवा, ते ठंडी खूबसूरत पानी, सारा कुछ इन्हां कुदरत दिता आ, पर फिर भी इन्हां दी जिंदगी मैनूं लगदी आ टफ आ। इत्थे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई सी, इस कोठी जिहड़ी ओह बच्ची दा घर सी मुन्नी दा, इस घर नूं बनाया गया सी। ये घर आ, वो तुसी फिल्म में देखा होगा, कोई निकल नहीं रहा बाहर गलबात कर ली, नहीं तो पुछदे। वैसे लोगों नूं पुछा तो कहिंदे इत्थे इत्थे सलमान खान भी आया सी और काफ़ी चिर रहा। अरू वैली दे विच बहुत सारिया फिल्मों की शूटिंग टाइम बाय टाइम होंदी रहिंदी है, और शूटिंग करनी खास करके हिंदी फिल्मों की किन्नी मुश्किल होंदी है। तुसीं सारा जिन्ना ये काम झावा, पूरा एक पिंड जिन्ना काम झावा, हजे इन्हों का बहुत सारा समान हेठां खड़ा होगा। ये तुसीं देख सकते हैं, ये सारा शूटिंग चल रही है, ये बड़ी मुश्किल होंदा इन्हों का। हुण भी किसी वड्डी फिल्म की शूटिंग चल रही है, बॉम्बे की फिल्म की। फिल्म बनाना भी बड़ा मेहनत वाला काम होंदा, जे तो करके देखिए तो बड़ा लोगों को भजा भजा के बुरा हाल कर रहा, क्योंकि ये सीन ही कुछ इस तरह के होंगे, और बड़ा वड्डा ताम झाम ये सारे फिल्म सिटी के बनया हुआ। क्या नाम है? मुदस्सिर। किस क्लास में पढ़ता है? फोर। नीचे गाँव में जाता है? हाँ। छुट्टी है के? नहीं, अच्छा ओके ओके। आप घोड़े चला रहे हैं?
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। बलजिंदर ते तरसेम असी अरू वैली तो वापस आते हुए पहलगाम नूं जांदे रस्ते दे विच इक खूबसूरत व्यू पॉइंट जिथों खुंदर दरिया हुंदर खुंदर दरिया शायद मैनूं नाम नहीं याद रहा आया पूरा उहदी इक शानदार व्यू पॉइंट बनदा ते ये देखो कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है। मैं तुहानूं करके दिखाउणा हाईलाइट वैसे तो यह पूरी वादी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ पूरी वादी पहलगाम तो जो तुम अरू तक जाने जितों तक सड़क जाती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। जे किसी दोस्त को टाइम हो तो पहलगाम तो सुबह चल के शाम को अरू वेली जाए तुर के और कुदरत दे जिन्ने क आनंद आ वो सारे तुसी तुर के पा सकते हो। शाम नूं तुसीं उत्थे अरू वैली भी रह सकते हो क्योंकि उत्थे रहने लई साइट लोकल साइट भी बनिया हुई कैंपिंग साइट बनिया हुई ते होटल भी है खाण पीण लई भी है ते इस करके जे किसी को टाइम होवे जे कोई कुदरत नूं भरपूर मानना चाहुंदा होवे तां सवेरे सुबह पहलगाम तो चल के सड़क ही सड़क बहुत खूबसूरत सड़क आ चल के 16 किलोमीटर सारा अरू 15-16 किलोमीटर तुर के जावे और उस तो बाद उत्थे जाके कैंपसाइट कर ले जां होटल च रह ले जे मुड़ना चाहे तो मुड़ सकदा। और जिहड़ा अड़ू वैली है वह बहुत वड्डी वैली है उत्थे तुसी घंटियां बद्धी ला सकदे हो घंटियां बद्धी बैठ सकदे हो ते जे तुसी पहलां तुसी कैमरा आपदा कमरा बुक करा के जाने जां कैंपसाइट बुक करा के जाने तो तुसी शाम तक उत्थे बिल्कुल उन्हूं माण के सारी उन्हूं चंगी एक्सप्लोर करके उस तो बाद शाम नूं आके उत्थे रह सकदे हो। ते ये गल आ दोस्तो पहलगाम दी जिहड़ी अड़ू वैली आ बेहद खूबसूरत आ बिना शक बेहद खूबसूरत आ इहदे कोई शक नहीं तुसी देख सकदे हो हरियाली खूबसूरत मौसम आ खूबसूरत बर्फ पहाड़ां जिहड़े पहाड़ आ बर्फ नाल लदे हुए दरियावां दी जिहड़ी आवाज़ आ उह सुण सकदे हो तुसी इत्थों तां शांति पूरी आ सड़कां भी खूबसूरत आ जिहड़ियां सानूं चाहीदियां हुंदियां तां ठीक ठीक सारा कुछ साफ सफाई भी बहुत खूबसूरत आ।